हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड ब्लेइंग। मैं हूँ श्वेता। सो बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो लेके आ रही हूँ। हमेशा अपने चैनल पे लाती हूँ बहुत ही बिगनर फ्रेंडली मेकअप प्रोडक्ट्स जो बिगनर्स हैं वो बहुत ईजिली से अफोर्ड कर सकते हैं। एंड आज मैं उसी आज मैं लाई हूँ ये प्रोडक्ट। ये है मार्स का कलर चेंजिंग फाउंडेशन। एंड ये फाउंडेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में था थोड़े टाइम पहले। मैंने काफ़ी टाइम पहले इसे बाय किया था बट अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया। आज मैंने यूज़ किया है एंड मैंने उससे ही अपना मेकअप किया है। वैसे मेकअप मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ही ज़्यादा रॉ रखना चाहती थी। एंड सिर्फ मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है, उसके अलावा लिपस्टिक एंड थोड़ा सा मस्कारा ताकि थोड़े सुंदर लग जाए यार। क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ना, इसका आज मैं रिव्यू करूँगी ना तो मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मेकअप एंड ब्लेइंग। मैं हूँ श्वेता। सो मैं ना ऐसे ही कुछ रिव्यूज़ लाती रहती हूँ अपने वीडियोज़ पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है मार्स का कलर चेंजिंग फाउंडेशन। ये आपको देता है एक सैटन फिनिश एंड एक सिल्की ग्लो जो कि इसने मुझे नहीं दिया है, ठीक है। सो ये फाउंडेशन आपको सैटन फिनिश देता है, आपको सिर्फ एक ही शेड में अवेलेबल है जो कि है वाइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। सो ये इसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी दी है बट पैकेजिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और डिटेल्स भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पे इसका सारी डिटेल्स दी गई है। दिस इज़ अ सुपर हाइड्रेटिंग फाउंडेशन विच डिफ्यूज द लाइन बिटवीन मेकअप एंड स्किन, ठीक है। सो ये आपको एकदम नेचुरल फिनिश देगा जैसा कि ये कह रहा है, बिकॉज ये सैटन फिनिश में है, ठीक है। एंड इसकी जो पैकेजिंग डेट वगैरह है यहाँ पे मेंशन करी गई है। जो इसका प्राइस है वो है 499 रुपीज़, मतलब 450 रुपये, ठीक है। तो भगवान की कुछ दया रही होगी मुझ पे एंड मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया था 190 रुपये में एक लोकल शॉप से, होलसेल की शॉप थी एंड उन्होंने मुझे 190 रुपीज़ का दिया ओनली, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। इसे यूज़ करने के बाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आगे वीडियो में बताती हूँ अगर आपने ले लिया है इसे और अगर आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर आपने इसे ऑलरेडी परचेज कर लिया है। अगर आपने परचेज नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट बाय दिस प्रोडक्ट, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आगे बताती हूँ क्यों, ठीक है। सो चलो मैं आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ एंड मैं साथ ही आपके साथ बात करते जाऊँगी इसके बारे में। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस प्रोडक्ट। एंड मैं से फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही थी एंड मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया फटाफट से। सो ये इसका प्रोडक्ट है, आप देखो कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है, बहुत ज़्यादा थिक था। लाइक अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ये ना जो फेयर एंड लवली होती है ना वैसे टाइप का था, ठीक है। बट फेयर एंड लवली एक टाइम पर आके ड्राई हो जाती है, ड्राई नहीं होती, ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज रहती है एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। एंड मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था हाफ फेस पे इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी बट अभी मैं इसे ब्लेंड करूंगी तो आप खुद ही इसका एक मतलब आइडिया ले लेना कि किस तरीके से आ रहा है ये फेस पे। सो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया है, अभी इसमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत ही हल्का हल्का सा प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाया था डॉट डॉट करके एंड मैं अब इसे ब्लेंड कर रही हूँ। सो ब्लेंड करने पे देखो ये कितना ज़्यादा वाइट लग रहा है। सो वाइट फाउंडेशन है तो ऑब्वियसली लगेगा एंड मैजिकल है तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होगा जैसा कि मैंने भी सोचा था। बट मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा था। अभी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ ना तो ये थोड़ा सा मैट लुक दे रहा है, मैट लाइक उसे मतलब अप्लाई करने पे भी बहुत ज़्यादा मैटी मैटी सा फील हो रहा है बट ये थोड़े टाइम बाद ना सेटिन लुक देगा, ठीक है। एंड इजली ब्लेंड हुआ जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब टफ था इसे ब्लेंड करना बट फिर ये इजली ब्लेंड होने लगा एंड मैं इसे ब्लेंड करती जा रही हूँ। ब्लेंड कर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है मैंने इसे ज़्यादा अप्लाई कर लिया हो प्रोडक्ट को एंड अभी तो मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी भी फील हो रहा है। मैं इसे और ब्लेंड कर रही हूँ, आप इसे ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो बट सेम रहेगा क्योंकि हाथ से जितना अच्छा ब्लेंड होता है ना फाउंडेशन उतना मुझे लगता है ब्रश से मज़ा नहीं आता। एंड आप इसका एक हैंड स्वॉच भी देख लो। सो ये जो फाउंडेशन है आप फेस में मत यूज़ करो, अगर आपने ले लिया है तो आप इसे अपने बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो क्योंकि बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड स्किन टोन भी सेम आ जाता है, आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता। सो मैंने ये अप्लाई कर लिया है एंड कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। सो अब थोड़ी और बात कर लेते हैं एंड मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जैसे जैसे आप इस
फाउंडेशन को अप्लाई करते जाओगे आपको लगेगा ये मैट है, बट धीरे धीरे ये ग्लॉसी होते जाएगा, आपको एक सैटिन फिनिश देगा एंड आप जिस कलर के भी हो आपकी स्किन कलर का हो जाएगा। सो पहले मैंने जब अप्लाई किया था तो ये थोड़ा वाइट वाइट लग रहा था एंड ऐसा लग रहा था मैंने कोई पुट्टी अप्लाई कर ली हो, बट अभी ये थोड़ा थोड़ा सा मेरे स्किन कलर में आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज इट्स नॉट प्रोफेशनल रेंज, ठीक है। सो बहुत ही मतलब एक ऐसा नॉर्मल सा फाउंडेशन है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगनर हो या आप बहुत ही न्यू हो और आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा अपने फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए तो आप ये ले सकते हो। अगर आपको 190 रुपीज़ का मिल जाए ओनली तो ही लेना, 450 रुपये वेस्ट मत करना प्लीज़, ठीक है। एंड ये ना देखो मेरे हेयर्स पे आया ना तो अभी तक ये वहाँ पे वाइट वाइट ही है, ठीक है। एंड वैसे मुझे एक वाइट फिनिश दे रहा है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइट वाइट सा लग रहा है मेरा फेस। एंड ये जो फाउंडेशन है काफ़ी देर से मैंने अप्लाई किया है सो अभी तक मुझे स्वेट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से फैन ऑन कर रखा है। ये वीडियो मैंने थोड़ी देर बाद शूट किया था जब तक मैंने अपनी आईब्रोज कर ली थी, लिपस्टिक ब्लशर एंड मस्कारा अप्लाई कर लिया था, बहुत लाइट लाइट सा किया है क्योंकि मैं चाहती थी आपको वीडियो में पूरा दिखे क्लियर। ये फाउंडेशन कहता है ये एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। सो मॉइस्चराइज तो रखता है, मैं विंटर्स में इसे एक बार अप्लाई कर सकती हूँ, समर्स के लिए भी ठीक ठाक है। अगर आसपास जाना है आप अपना बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं या आप चाहते हो कि आपको अपने फाउंडेशन में थोड़ा स्किन वन टोन लाइटर मिल जाए या वाइट चाहते हो थोड़ा सा जो कि लाइटिंग में हो सकता है अच्छा हो। अभी तो मैं डे लाइट में वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है एंड बाद में मैं ये कैमरा पर देखूँगी कि कैसा लग रहा है। वैसे मिरर में मैंने देखा था तो मुझे ठीक ठीक लग रहा था, बट बाद जहाँ पर फ़ोटो की आ जाती है ना वहाँ पर फाउंडेशन कोई भी हो वो ऑटोमेटिकली चेंज आता है, तो ओवर वाइट दिखेगा या तो वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज दिखेगा, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है मतलब एक फाउंडेशन के लिए, ठीक। सो ये फाउंडेशन ये भी कहता है कि ये आपकी विंकल्स को एंड आपकी डिफाइन लाइन्स है उनको भी कवर करता है। कवरेज तो मैं नहीं कहूँगी, फाइन लाइन्स को इसने कवर किया है मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो अगर आपको लगता है मेरे यहाँ पे थोड़ी सी लाइंस है तो अभी तो दिख रही है, थोड़ा सा स्वेट भी हो रहा है मुझे, ठीक है, इसको अप्लाई करने के बाद क्योंकि मैंने इसे कोई भी पाउडर से सेट नहीं किया है एंड मैं करना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं इसका टेस्ट कर रही थी ये कैसा है मतलब कितनी देर स्टे करता है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट ना फिटमी का रिव्यू किया था वो जो उसका फ्रेश टेंट है एंड वो बहुत ही अमेजिंग था। मैंने उसे कोई भी पाउडर से सेट नहीं किया था तभी वो बहुत टाइम तक स्टे किया एंड मुझे बहुत कम ज़्यादा कम से स्वेटिंग हुई, ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हुई तो मुझे वो अच्छा लगा था। उसी तरीके से मैं इसका भी टेस्ट करना चाह रही थी एंड ये फाउंडेशन कहता है कि ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं होता, आपको कोई भी क्रैक लाइन नहीं देगा। ऑब्वियसली यार ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट है, सैटिन फिनिश देता है, फुल कवरेज नहीं है तो इसलिए कोई क्रीज लाइन का तो कोई सवाल नहीं उठता, साथ ही आपको कोई क्रैक भी नहीं होगा। एंड ऑल्सो इट has a very lightweight formula, so lightweight जब मैं apply कर रही थी तो मुझे नहीं लग रहा था, बाद में मुझे लगने लगा धीरे धीरे। ये अगर मैं इसे विंटर्स में अप्लाई करूँगी तो लाइक विंटर्स की बात करें तो नवंबर अक्टूबर की बात कर रही हूँ, ठीक है, सो तब तक ये थोड़ा ठीक लगेगा। एंड वैसे lightweight है, अब लगने लगा है, पहले नहीं लग रहा था। तो अभी तक मैंने इस फाउंडेशन पे जो दिया हुआ था उसकी बात करी, अब मैं अपनी बात करती हूँ मुझे कैसा लग रहा है इसे अप्लाई करने पे। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सच बताऊँ थोड़ा सा चिपचिप भी हो रहा है, ऑब्वियसली मैंने इसे सेट नहीं किया है तो होगा ही, ठीक है। सो ये जो फाउंडेशन है लाइट वेट है, धीरे धीरे मुझे लगने लगा, ठीक है। एंड ये एक अच्छा मैंने इसकी वेबसाइट पर पढ़ा था इसके इंग्रीडियंट्स वगैरह, तो ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है, नेचुरल प्रोडक्ट से बनता है जैसा कि कह रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। एंड वन थिंग जो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ख़राब लगी वो ये थी कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक चमेली का फूल होता है ना वही वाली है, ठीक है। सो अभी तक मुझे लगाए हुए से एक घंटे से ज़्यादा हो गया है एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो अभी भी है, वो गई नहीं है, आई कैन स्मेल दैट, ठीक है। सो मुझे ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट पसंद नहीं है, मेरे नाक में चढ़ जाते हैं या मुझे थोड़ा चक्कर सा आने लगता है, सो इसलिए अगर आप भी मेरी तरह सेंसिटिव हो और आपको भी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो ये प्रोडक्ट आप कभी बाय मत करना प्लीज़। एंड ये ना इंडियन स्किन टोन के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर हो और आप चाहते हो आपका बहुत ग्लोई लुक लगे तो आप ये बाय कर सकते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा फेयर स्किन होती है ना तो उनके फेस पे थोड़ा सा वाइट एक अच्छा इफेक्ट देता है, ठीक है। सो और अगर आप डस्की हो तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी बाय मत करना, बिकॉज अगर आप जैसे ही इसे लगाओगे तो ऐसा लगेगा आपने सफ़ेद पुट्टी लगा ली है भाई, बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल भी।
सो बाकी तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में क्या ही बोलूँ, जैसा कि मैं सारे वीडियो में बता ही चुकी हूँ, इसकी कमियाँ ही कमियाँ मैंने बताई, कुछ भी अच्छा नहीं बताया, क्योंकि इसमें कुछ अच्छा है ही नहीं यार। मैजिकल प्रोडक्ट है, लगा लो वाइट हो जाता है एंड धीरे धीरे सेट हो जाता है। सेट हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी स्किन पे स्ट्रे कर रहा है सब कुछ, आपको वाइट नहीं लगना चाहिए। मुझे अपनी स्किन पे ये वाइट लग रहा है, थोड़ा सा ग्रेश लुक दे रहा है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो आई थिंक मैंने ओवरऑल चीज़ें बता दी हैं। फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा है इसकी, हार्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो मैं इसके लिए बिल्कुल इसे नो बोलती हूँ। अदरवाइज इसकी पैकेजिंग अच्छी है, 190 रुपये मैंने वेस्ट कर दिए हैं और मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मैं 190 रुपये की लिपस्टिक ले सकती थी भाई, मार्स की कोई भी। सो मेरे लिए यूज़लेस प्रोडक्ट है एंड आई एम नॉट गोना बाय दिस प्रोडक्ट अगेन इन माई लाइफ। और सजेस्ट भी आपको करूँगी, प्लीज़ डोंट बाय दिस प्रोडक्ट, वर्स्ट प्रोडक्ट एवर फ्रॉम मार्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।